राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पूज्य स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज इस श्लोक को बहुत उद्धृत करते थे, उनके प्रवचन में हमने सुना। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मदभक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, उनका उल्लंघन करके जो मनमाने तरीके से आचरण करता है वो मेरी आज्ञा को काटने वाला मेरा शत्रु है, न तो मेरा भक्त हो सकता न वैष्णव हो सकता। इसलिए उत्तरकांड में मम अनुशासन माने जोई, भगवान ने क्या कहा प्रजा को जहां उपदेश दिया वहां कहा मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानेगा वो मुझे प्रिय। और भगवान का अनुशासन क्या है? वेद, यही उनका अनुशासन शास्त्र है। निषिद्ध कर्मों का त्याग, विहित कर्मानुष्ठान और निषिद्ध कर्मों का त्याग, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा सुदृढ़ विश्वास, गोपतृत्व वरण, जैसे पतिव्रता नारी, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या विवाह के समय अपना सर्वस्व पति को समर्पित कर देती है, इसी प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का वरण, आत्मनिक्षेप, अपना कुछ भी बचा कर न रखना, अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर देना, ये पांचवा अंग है शरणागति का। और छठा अंग है कार्पण्यम, इतना सब होने के बाद भी अहंकार नहीं करना, दीनता। ये षड विधा शरणागति, ये शरणागति के छह अंग हैं। फिर भी भगवान की माया अतिशय प्रचंड है, संग दोष से, युग दोष से, अन्नादि के दोष से, अथवा अपने ही कई जन्मों के मलिन संस्कारों के दोष से निषिद्ध कर्म भी बन जाते हैं। मन में भोगों की इच्छा तो रहती ही है, कई बार लौकिक सुख के सुख की कामना से कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, पुण्य कर्म भी बन जाते हैं संकल्पित, तब तो भक्त भी संस्कृति के ही चक्र में पड़ा रहेगा। भगवान कहते नहीं, यदि मेरा शरणागत भक्त है और जाने अनजाने में संकल्प पूर्वक शुभ अशुभ उससे बन भी गए तो भी उनके कारण वो संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बोले इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस भक्त की जो निंदा करने वाले हैं, उसके दोषों की चर्चा करने वाले हैं, उनमें तो उसके अशुभ चले जाएंगे, और उस भक्त की जो प्रशंसा करने वाले हैं उसमें उनके संकल्पित शुभ चले जाएंगे। इस तरह से शुभाशुभ से मुक्त होकर के वो मेरे नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। ये श्रीभाष्य में श्री रामानु स्वामी जी ने एक जगह कहा है। इसी को कहते पक्षपात, इसी को क्या कहते हैं? यही पक्षपात। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम बिहारा,
भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे तो समधी लगते हो। समधी लगते क्या हो, हमारी बेटी आपके बेटा सांब से ब्याही है, आप हमारे समधी हो। पांडवों के शांत दूत बन के आए तो क्या हुआ, वो तो हमारे समधी। और फिर समधी हो तो तुम्हें हमारा पक्ष लेना चाहिए। और दूत हो तो दूत को तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दूत तो संदेश वाहक होता है, संदेश सुना दिया जाओ। तुम्हारे वक्तव्य में पांडवों के प्रति पक्षपात झलक रहा, तुम्हारी भूमिका सही नहीं है, तुम पांडवों के पक्षपाती हो। दुर्योधन ने कहा, भगवान ने कहा कि अरे तुमको ऐसा लग क्यों रहा है, मैं तो खुल्लम खुल्ला सभा में स्वीकार कर रहा हूं, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यस्तान अनु समाम अनु, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। मैं अपने भक्त से भेद नहीं मानता। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। संत हमारे हृदय, मैं संतों का हृदय हूं, संत हमको छोड़ के किसी को नहीं जानते, हम संतों को छोड़ के किसी को नहीं जानते। तुम कहते हो पक्षपाती, हम खुलकर स्वीकार करते हैं, हम पांडवों के पक्षपाती हैं। वो तो कहते ना, अब कर लो बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़ोगे, हम स्वीकार करते हैं पक्षपाती। दुर्योधन भनक गया, भिनक गया। दुर्योधन बोला तो हमारी भी बात सुन लो, कि तुम जो प्रस्ताव लेकर आए हो ना शांति का, कान खोलकर सुन लो, बैरंग बाप सो जाओ, कह देना उनको जाकर, सूच्यग्रम अपिना दास्य बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। भगवान हंसने लगे, बोले इसका मतलब है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि तुम्हारे पास नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बाप का नहीं है, सब कुछ हमारा है और हमारे भक्तों का है। बाप की संपत्ति बेटा की होती है, ये सब कुछ मेरा है और पांडव मेरे हैं, इसलिए सब कुछ पांडवों का है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे, कहते थे तुम जगत से संबंध जोड़ के रखते हो, शरीर संसार से संबंध जोड़ के रखते हो, इसलिए ऐसे सुकड़े भयो सीमित हो, और हमने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। गुजराती में बोलते थे संपूर्णानंद जी महाराज, राम जी मारो बापू छे, हूँ राम जी नो दीकरू छू, मने राम जी हमारे बाप हैं पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, और बधाई वस्तु मारे बापा नहीं छे, ये सब कुछ है सब मेरे पिताजी की है, वो पिताजी की है, वो मैं बेटा हूँ, इसलिए सब मेरा है। वो कहते थे तुम लोग बड़े से बड़े करोड़पति बैठे हो, कितनी भूमि है, अरे ज़्यादा होगी तो कहोगे हजार एकड़ भूमि है, वो हमारी तो सारी धरती हमारी है। बोलो तुम्हारी लिखा पढ़ी काम नहीं आएगी, हमारी बिना लिखा पढ़ी की सारी धरती हमारी है, जितने परिवार हैं सब हमारे हैं, जितनी धरती है सब हमारी, जितना अन्न जल सब हमारे, राम जी का हमारा है। तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तो हमारे पास सब गाड़ी हमारी है, जिसमें बैठ जाए वो हमारे बाप की है गाड़ी, राम जी की है। भगवान से संबंध जुड़ गया तो फिर क्या बाकी रह गया, सब कुछ मिल गया। भगवान का भक्तों से ऐसा प्रेम है, ऐसे भक्तों के पक्षपाती हैं भगवान।